गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज एंड सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स, फाइंड इंक्रीज एंड और डिक्रीज इन परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टैक्स, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो मीन्स क्या होता है? रेशियो में हम जानते हैं कि हम नंबर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टू क्वांटिटीज़ जिनमें एक दूसरे का कोई रिलेशन होता है, एंड अगर वो फ्रैक्शन में है तो उनको रेशियो में हम इस तरह से राइट करते हैं, ए टू बी, इस तरह से इसको हम रीड करते हैं। एंड जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है एंटीसीडेंट, एंड जो सेकेंड नंबर होता है वो होता है कंसिक्वेंट। देन रेशियो में इस तरह से होता है कि अगर कोई नंबर है कॉमन नंबर जिससे हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो नंबर्स का रेशियो है वही उनके मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का रेशियो भी होगा, यानी ए टू बी इज इक्वल टू एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी। देन इसी तरह से डिवाइड के केस में भी यही होता है कि सेम कॉमन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर का रेशियो उनके क्वेश्चंट का जो आंसर आएगा नंबर्स के, एंड देन उनके इक्वल होगा। एंड प्रपोर्शन में हम नंबर्स को इस तरह से राइट करते हैं, फोर टर्म्स होती हैं यहाँ, ए टू बी इक्वल्स टू सी टू डी, तो जो टू नंबर्स जिनका रेशियो है उनका आंसर इक्वल होंगे। सो इस तरह से प्रपोर्शन में होता है। एंड इसको सॉल्व जब करते हैं तो वहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स जो इनर वैल्यूज़ होती है सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म वो होते हैं मीन्स, एंड एक्सट्रीम्स जो आउटर वैल्यूज़ होते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ, तो इनका प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट एंड इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल होगा तो वो रेशियो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है। देन परसेंटेज मीन्स होता है कि कोई भी टर्म जो इस तरह से परसेंट में है, फॉर एवरी 100 उसको हम परसेंट में राइट करते हैं, एंड परसेंट का सिंबल होता है दिस इज, लाइक 7% है तो उसको हम इस तरह से राइट करेंगे 7/100, सो डिनोमिनेटर वहाँ 100 बन जाता है। देन सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन टू कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज, अब हम इनको रेशियो को परसेंटेज में, देन परसेंटेज को रेशियो में इस तरह से कन्वर्जन इनका करेंगे। तो जब कोई नंबर रेशियो में होता है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ये होता है कि हम रेशियो को फ्रैक्शन में राइट करते हैं, इस तरह से 6:5 को 6/5, देन फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसका परसेंटेज हो जाएगा। इसी तरह से जब परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है तो 46% है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर 100 राइट करते हैं, और फिर जब उनको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर उनका कटिंग करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है वो रेशियो हो जाता है। एंड इसी तरह से टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है लाइक 16%, तो फ्रैक्शन में राइट करेंगे 16/100, देन इसको हम रेशियो में नहीं राइट करते हैं, इसको अपॉन में ही रहने देंगे, और फिर इनकी कटिंग करके जो इसका आंसर आएगा वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इस तरह से इनकी फ्रैक्शन है, लोवेस्ट टर्म्स में इसका आंसर आएगा। देन टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है तो अगेन 3/25, जिस तरह से हम रेशियो में उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब यहाँ ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में ही है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से परसेंटेज में आंसर आ जाता है। देन टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल, डेसिमल परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करके एंड देन फिर डेसिमल के बाद टू डिजिट्स आएगी इस तरह से और इसका आंसर आ जाएगा। एंड डेसिमल इनटू परसेंटेज, जब डेसिमल में है कोई नंबर उसको परसेंटेज में राइट करना है तो हम क्या करेंगे, उस डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर परसेंटेज में आता है इस तरह से। देन फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंट, जब परसेंट में इस तरह से होता है कि कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसका फॉर्मूला है, इंक्रीज परसेंट अगर है तो इंक्रीज कितना हुआ है इंक्रीज्ड क्वांटिटी एंड देन अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी ओरिजिनल में कितनी थी एंड देन इंक्रीज कितना हुआ है, डिफरेंस कितना है, एंड देन उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो होगा इंक्रीज परसेंट। एंड इसी तरह से डिक्रीज परसेंटेज भी ओरिजिनल क्वांटिटी पर ही फाइंड आउट होता है। नाउ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ ए साइकिल, साइकिल की जो स्पीड है वो है 15 km/h टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 km/h। सो यहाँ स्पीड गिवन है एंड पर आवर में ही है,
सो यूनिट सेम है, तो देन 15 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर, इसका हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। और फिर ये इस तरह से होता है, दोनों की स्पीड एंड उनका रेशियो क्या है, 15:30, 15 किलोमीटर/30 किलोमीटर/आवर। सो देन किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल एंड 15 ones are 15 एंड 15 twos are 30। सो इसका आंसर 1:2 रेशियो आएगा। देन बी 5 meter to 10 kilometer, सो अगेन यहाँ मीटर में है एंड यहाँ किलोमीटर में है, सो किलोमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देन 5 meter एंड रेशियो 10 kilometer को राइट करेंगे 10,000 meter, बिकॉज 10 kilometer में 10,000 meter होते हैं। नाउ यूनिट से यूनिट कैंसिल एंड फिर इनको कट करके इनका आंसर आएगा 1:2,000। देन इसी तरह से सी 50 paise to 5 rupees है यहाँ, सो यहाँ रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट कर देंगे, तो 50 paise रेशियो एंड 5 rupees है, सो तो ये हो जाएगा 500 paise। नाउ पैसे से पैसे कैंसिल और ये हो जाएगा 1:10। सो इस तरह से इनके आंसर आएंगे रेशियो में। देन क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन इस तरह से होगा, 3/ रेशियो को हम फ्रैक्शन में राइट करेंगे, 3/4 एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, देन डिनोमिनेटर से 100 को कट करते हैं, तो 4 की टेबल में 100 25 टाइम्स में आएगा एंड 25 3 75% इसका आंसर आएगा। देन 2:3 को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ कटिंग नहीं हो रही है 3 की 100 से, तो देन 200 को 3 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट करेंगे, तो क्वेश्चन 66 रिमाइंडर 2 एंड डिविजर 3, सो 66 2/3 परसेंटेज इसका आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद। सो इस तरह से डिवाइड होगा एंड क्वेश्चन 66 रिमाइंडर 2 एंड डिविजर 3, तो 66 2/3 परसेंटेज। देन क्वेश्चन नंबर 3, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, सो हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। 25 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिनका 72% स्टूडेंट्स मैथ्स में अच्छे हैं, तो अब कितने गुड नहीं होंगे। सो ये इस तरह से होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ, मैथ में 72% गुड हैं, तो देन नॉट गुड इन मैथ 100 minus 72%, 72% को 100 में से माइनस करेंगे, सो 28% स्टूडेंट्स मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। सो नम स्टूडेंट्स 25 का 28% इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 25 multiply 28 and upon 100, परसेंटेज की वजह से अपॉन में 100 आ जाएगा। नाउ कटिंग करके 25 4 ज़ा 100 एंड 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर 7 आएगा, तो 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ। देन क्वेश्चन नंबर 4, ए फुटबॉल टीम वॉन 10 matches आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, If their winning percentage was 40, then how many matches did they play in all? Winning एक टीम ने टोटल जितने भी मैच हुए उनमें से 10 matches जीते हैं, won किए हैं, एंड उनका जो percentage है 10 matches won करने का वो 40% है, तो उन्होंने कितने matches प्ले किए होंगे, तो टोटल matches हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो ये इस तरह से होगा, ए फुटबॉल टीम won 10 matches, विनिंग परसेंटेज 40%, तो देन 10 matches विन किए हैं और विनिंग परसेंटेज 40 है, तो 10 को 40 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 क्या है, टोटल मैचेस हैं, टोटल मैचेस की वैल्यू। सो इस तरह से इसका आंसर 100 को 4 से डिवाइड करके 25 आएगा, सो टोटल मैचेस जो टीम ने प्ले किए हैं, टोटल मैचेस प्लेड आर 25 matches। देन क्वेश्चन नंबर 5, इफ चमेली हैड 600 rupees लेफ्ट After spending 75% of her money, so how much did she have in the beginning? तो उसके पास स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में कितना था, अगर उसके पास अभी 600 rupees लेफ्ट है, 75% मनी उसने स्पेंड कर दी, तो 25% उसके पास लेफ्ट है अब, तो स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में मीन्स 100% वैल्यू क्या होगी। तो ये भी सिमिलरली इसी तरह से होगा, लेफ्ट मनी 600 है एंड स्पेंड कितना किया है, 75% ऑफ टोटल मनी, तो लेफ्ट मनी परसेंट हो जाएगा 100 minus 75, 25% एंड लेफ्ट अमाउंट 600 है और उसका परसेंटेज 25 है, सो 600 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 100,
तो देन अब जो कटिंग करके आंसर आएगा 600 4 24 हंड्रेड रुपीज़ उसके पास स्टार्टिंग में थे इन द बिगिनिंग. देन क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 60% पीपल इन सिटी लाइक मार्केट, 30% लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन वॉट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम्स. सो यहाँ 60% पीपल क्रिकेट को लाइक करते हैं एंड 30% फुटबॉल को. सो रिमेनिंग पीपल हो जाएंगे 100 में से 60 + 30 माइनस करके 10%. देन टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख हैं. तो देन क्रिकेट जितने स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, तो 50 का हम क्रिकेट का परसेंटेज 60% है, तो 50 का 60% 60/100 एंड देन सॉल्व करके 5 6 30 लाख पीपल क्रिकेट को लाइक करते हैं. इसी तरह से फुटबॉल का आंसर 5 3 15% 15 लाख एंड अदर गेम्स का 10%, तो 5 लाख जो पीपल हैं वो अदर गेम्स को लाइक करते हैं. तो ये इस तरह से सॉल्व होगा.